सुल्तानपुर में इसौली सीट पर फंसा टिकट पेंच, सपा के टिकट दावेदारों को लग सकता है झटका। भागीदारी पार्टी के हिस्से में जा सकती है इसौली सीट, भागीदारी पार्टी लगा सकती है दिव्या प्रजापति पर दांव। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की इसौली सीट समाजवादी पार्टी की पक्की सीट मानी जाती है। पिछले 10 सालों से अबरार अहमद सपा के टिकट पर यहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार इसौली सीट पर बंटवारे का पेच फंसता नजर आ रहा है। जी हां, भागीदारी पार्टी ने इसौली पर बड़ा दांव ठोका है। भागीदारी मोर्चा के अगुआ ओम प्रकाश राजभर ने भी पूरा जोर लगा दिया और रैली करके ये संदेश भी दिया है कि उनकी उम्मीदवार दिव्या प्रजापति होंगी। नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर राजधानी लखनऊ में सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। इसौली सीट को लेकर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुछ सीटें पूर्वांचल की हैं जहां हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भागीदारी पार्टी, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में हमने जनपद सुल्तानपुर इसौली विधानसभा पे मोर्चा का कार्यक्रम किया, बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हमने इलाहाबाद में मेजा विधानसभा, उस पर बड़ा कार्यक्रम किया मोर्चे का, पूरा जलवा दिखाई दिया जिले में। उसके बाद में हमने बनारस में शिवपुर विधानसभा में ज़ोरदार कार्यक्रम किया। सुल्तानपुर की इसौली सीट के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसौली पर हमने वहाँ श्रीमती दिव्या प्रजापति जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है, उनकी भी पूरी फौज वहाँ ललकारे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि उनको भी नहीं मान के चला भाई 403 पर हम बजे ललकारे है एकदम की आवा खड़ा है एकदम मैदान में। ये बयान है इसौली सीट पर टिकट को लेकर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति का। प्रेमचंद प्रजापति के बयान से साफ है कि दिल्ली में अधिकारी भारत लाल की पत्नी और इसौली विधानसभा क्षेत्र के धम्मौर इलाके की निवासी दिव्या प्रजापति का दावा किसी से कमजोर नहीं है। दूसरी ओर सपा के लिए भी इसौली सीट कम महत्वपूर्ण नहीं है। विपरीत हालातों में भी इसौली सीट पर साइकिल दौड़ी थी सिटिंग विधायक अबरार अहमद, पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान, सरीखे दर्जन भर सपाई इसौली सीट पर अपने टिकट का दावा ठोक रहे हैं। फिलहाल 2022 में कौन टिकट की बाजी मारेगा, इसको लेकर भागीदारी मोर्चे का पेच फंसता नजर आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।